और 23 जुलाई को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन से विदा लेंगे और अब परंपरा के तहत राष्ट्रपति भवन में उनका एक पोर्ट्रेट लगाया जाएगा, लेकिन इस बार परंपरा से हटकर उनका पोर्ट्रेट उनकी पसंद के चित्रकार को बनाने का मौका मिला है और ये चित्रकार हैं श्री विजेंदु शर्मा। विजेंदु शर्मा एक इल्यूजनरी चित्रकार है। एक समारोह में उनकी पेंटिंग से डॉक्टर कलाम इतने प्रभावित हुए कि वे विजेंद्र शर्मा को भूल नहीं सके और जब मौका मिला उनके पोर्ट्रेट बनवाने का तो उन्होंने विजेंद्र शर्मा को याद किया और ये अहम जिम्मेदारी दी। विजेंद्र शर्मा अपने आप को प्रकृति के करीब मानते हैं और यहीं से उन्हें प्रेरणा मिलती है। अगर देखा जाए, मैं खुद को टटोलने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ से आता है, तो मुझे लगता है ये आता है एग्जिस्टेंस से, जो मैंने देखा है हर तरफ जहाँ देखो। उनकी चित्रकारी की खासियत है कि वे चित्रों को सजीवता के साथ जीते हैं, शायद यही वजह है कि वे व्यक्ति के काफी करीब होते हैं, मानो चित्र स्वयं अपनी सजीवता को दर्शाते हो। भारत के एक राष्ट्रपति का पोर्ट्रेट बनाने का गौरव मिलना उनकी कलात्मकता का सही सम्मान है। विकास कुमार, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। और आइए अब देखते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ खबरें।